बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 3 मोशन, और आज हमारा लेक्चर नंबर 12। हम जो है चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस हमने लेक्चर में इसका लास्ट टॉपिक इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा था। अब हम इसके न्यूमेरिकल जो हैं शुरू कर रहे हैं, और पहले हम करेंगे ठीक है बुक के न्यूमेरिकल्स। बुक के न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर हम देखेंगे पास्ट पेपर के, और वो न्यूमेरिकल्स करेंगे पास्ट पेपर्स के जो कि बुक से अलग होंगे, मिलते जुलते नहीं होंगे, तो फिर वो हम कर लेंगे। तो लेक्चर नंबर 12 में अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ठीक है 1, 2, 3 बुक के। प्रॉब्लम नंबर 1 है आपकी बुक का। इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट, एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10^3 meter per second enters a region where it is electrically accelerated. It emerges out of this region after 1 microsecond with a speed of 4 exponent 5 meter per second. What is the maximum length of the electron gun? Calculate the acceleration. इसमें क्या है, एक electron gun है ठीक है, यानी TV की electron gun है। टीवी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड है ठीक है, वो है 10^3 meter per second। फिर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड में क्या मतलब है कि वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, और उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और इन वेलोसिटी क्योंकि चेंज होती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेलरेट हो गए, यानी उनकी स्पीड इंक्रीज हो गई है बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज ठीक है। तो जहाँ पर उनको वोल्टेज दिया जा रहा है जिस रीजन में, और जहाँ उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, उस रीजन में कितनी देर जो है वो रहते हैं या यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ये टाइम बता रहे हैं 1 microsecond। और फाइनल स्पीड हो गई इनकी 4 exponent 5। हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम लेंथ कितनी है इलेक्ट्रॉन गन की, और कितना एक्सेलरेशन हुआ है ठीक है, यानी स्पीड इंक्रीज होने के बाद कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो क्या होती है। ये तो देखें जो अभी पुराने जो टीवी होते थे, और अब तो देखें एलसीडी के एलईडी के जो है टीवी आते हैं, और कंप्यूटर की जो समझ लें मॉनिटर होता है वो भी आपके पास इस तरह से फ्लैट आने लगा है ठीक है एलईडी एलसीडी का। लेकिन पुराने जो ये कंप्यूटर के मॉनिटर होते थे और पुराने जो टीवी होते थे, उनकी आप देखें कि ऐसी ही शेप होती थी ठीक है, पीछे से इस तरह से होते थे ये ठीक है, और आगे क्या होती थी इनकी स्क्रीन होती थी ये ठीक है। तो अब उसमें इस तरह का ये फंक्शन होता था ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलते थे ठीक है, फिर एक्सेलरेट होते थे, और फिर यहाँ पर ये जो कुछ प्लेट्स होती थी एक्स प्लेट वाई प्लेट्स जो कि उनकी ठीक है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को कंट्रोल करती थी। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब जाके इस स्क्रीन से स्ट्राइक करते टकराते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होती है एक इमेज बनती है ठीक है, यहाँ पर एक आपके पास तस्वीर बन जाती है ये। तो यहाँ पे आप ये देखें कि अब तो ये ऐसा टीवी नहीं होते, लेकिन ये पहले के टीवी और मॉनिटर में ये होता था। अब इसमें क्या एप्लीकेशन है, अब यहाँ पे जो होता है हमारे पास ठीक है, आप समझ लें कि हाई क्लासेस में लैब में होता है हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ठीक है। उसमें क्या करते हैं आप जो है कोई भी आपके पास समझ लें कि एसी वगैरह है, या आपके पास कोई और वेव है, उसकी आप फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वगैरह ये आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखते हैं ठीक है, कि आप किस तरह से वो वेव जो है वेरी कर रही है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वोल्टेज करंट वगैरह आप देख सकते हैं इसमें। तो उसको जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके सर्किट्स होते हैं ठीक है, उनके साथ जो है उनकी समझ लें कि टेस्टिंग के लिए, या उनको जो आप बनाते हैं उसकी चेकिंग के लिए जो है ये आपका जो है सीआरओ जो है वो यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉन गन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन गन जो है ठीक है वो है समझ लें यहाँ से यहाँ तक, ये जो चीज़ है ये होता है फिलामेंट ठीक है। ये फिलामेंट क्या चीज़ है ठीक है, फिलामेंट जो है इस तरह का एक समझ लें कि टंगस्टन का कॉइल होता है ये ठीक है, एक टंगस्टन फिलामेंट ठीक है ये होता है ये। तो यहाँ पर ये टंगस्टन क्या है, एलिमेंट का नाम है आपके पास। तो टंगस्टन का ये एक कॉइल होता है, इसको जब हम क्या करते हैं यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये जो दो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये जो फिलामेंट है ये क्या होता है ये गर्म हो जाता है, हीटअप होता है, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये। अब ये क्योंकि गर्म होने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस समझ लें कि मेथड को कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन।
यानी बाय हीटिंग जो है इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ये यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इनिशियली इनकी स्पीड जो है ठीक है, किसी की कम भी होती है ज़्यादा भी होती है। तो यहाँ पर जो समझ लें कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है उसमें ये बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसकी इनिशियल स्पीड, तो हम यही सपोज करेंगे कि जब ये निकला है तो उसकी यहाँ पर जो स्पीड है वो है आपके पास 10 एक्सपोनेंट 3 ठीक है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब ये देखें कि ये जो होता है यहाँ पर या तो सिलेंडर लगाया जाता है या डिस्क होती है, ये इनको जो है यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है ये ठीक है, और इनको हाई वोल्टेज दिया जाता है यानी 1000 हो सकता है, 3000, 5000 हो सकता है। अब ये बहुत हाई वोल्टेज जब दिया जाता है और पॉजिटिव, तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव समझ लेंगे चीज़ है ये, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव जो होता है ये नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और फिर जब ये अट्रैक्ट होके इधर आते हैं ठीक है, तो उससे उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जितना ज़्यादा हम वोल्टेज देते हैं उतनी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। तो बाय वोल्टेज जो है हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज करवा रहे होते हैं, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, वो एक्सेलरेटेड हो गए ये ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेटेड होने के बाद फिर ये जो है एक बीम की फॉर्म में इस तरह से ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं ये। तो अब आपको जो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड यहाँ पे होगी और यहाँ पे जब ये निकलेगा तो इसकी स्पीड ठीक है इस वोल्टेज की वजह से इंक्रीज हो चुकी होगी। तो ये जो गन है ठीक है इसी की आपको लेंथ मालूम करनी है ठीक है, यानी यहाँ से लेके समझ लें यहाँ तक, और इस लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये एक डिस्टेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम इसको डिस्टेंस से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एस जो है समझ लें कि आपको यहाँ पर ठीक है मालूम करना है ये ठीक है, यहाँ पे आप जो है ये कैलकुलेट करेंगे और जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ठीक है वो एक्सेलरेशन हमें ठीक है कैलकुलेट करना है। अब जो है यहाँ पर ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी शुरू के, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इसे हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये। तो अब आप ये देखें कि हमारा डाटा क्या है, डाटा हमारे पास इनिशियल स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की बताई थी वो ये बताई थी ठीक है 10 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम तक उस रीजन में रहे ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गन थी वो था 1 माइक्रो सेकेंड, ये जो है म्यू जो है ये माइक्रो का सिंबल है, और इसकी समझ लें माइक्रो की जो पावर होती है वो होती है 10^-6। तो पहले आपकी माइक्रो सेकंड इस तरह लिखें ठीक है, उसके बाद फिर माइक्रो को, जाहिर बात है कि हम जब फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए, तो माइक्रो की जो पावर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी हमने इसको समझ लें कि सेकेंड में जो है चेंज कन्वर्ट कर लिया, स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड है आपका। उसके बाद ये फाइनल वेलोसिटी बताई थी 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ ठीक है इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ठीक है। अब डाटा से देखें आप क्या कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड। तो एस देखें कि पहली इक्वेशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब S जो है अभी आप मालूम नहीं कर सकते क्योंकि जब सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आप इसको ठीक है कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक्सेलरेशन अभी हमें गिवन नहीं है, नहीं मालूम है। तो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है, और एक्सेलरेशन के लिए देखें आपको डाटा कम्प्लीट है, ये आपके पास ठीक है वी आई भी है, वी एफ भी है, टी भी है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लें एस के लिए, आप चाहें तो थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लें क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और टाइम भी है ठीक है। एस के लिए कोई भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन का मैं फार्मूला बना रही हूँ ठीक है, जहाँ पे हमें फार्मूला बनाना सिंपल होगा वहाँ बना लेंगे, और जहाँ हम देखेंगे कि इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी है, तो फिर वहाँ फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे आप ठीक है वैल्यूज़ पुट कर दें, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें और जो अननोन है उसको कैलकुलेट कर लें ठीक है। तो ये हम करते हैं, यहाँ पे हमारे लिए फार्मूला बनाना ईजी है तो हम बना लेते हैं। ये वी आई को मैं साइड पे लेके आ गई, ये प्लस से माइनस हो गया,
और यहाँ पे 80 है, ठीक है। अब ये टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड करेगा, ए का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो ए का फॉर्मूला हमारा बन गया वी एफ माइनस वी एफ ऑन टी। अब इसकी वैल्यूज मैंने देखें पुट कर दी, फाइनल वेलोसिटी थी 4 एक्सपोनेंट 5, ये माइनस है, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, 1 एक्सपोनेंट, ठीक है, 3। अब देखें कुछ कैलकुलेटर जो हैं जिनमें आपको ये जो आप एक्सपोनेंट दे रहे होते हैं उनके अंदर, ठीक है, कुछ में क्या होता है कि वहाँ पर 10 लिखा हुआ होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट जो है, तो आप वहाँ पर तो सिर्फ 10^3 लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी रिजल्ट दे देगा कैलकुलेटर सही। लेकिन जहाँ पर आपके पास 10^3 नहीं लिखी होती है कैलकुलेटर में, वहाँ पर अगर लिखा हुआ है जैसे कि ई एक्स पी एक्सपोनेंट, तो उसके में अगर आप खाली इस तरह लिखना चाहेंगे कि एक्सपोनेंट 3, तो वो आपका आंसर सही नहीं देगा कैलकुलेटर। तो उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, पहले 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 लिखना पड़ेगा, फिर उसके साथ एक्सपोनेंट, और फिर उसके पास उसकी पावर 3 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको 1 के साथ अगर लगा के कर लेंगे तो आंसर फिर, ठीक है, उसमें गलत होने के चांसेस नहीं है ये, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होता है, नंबर चेंज नहीं होता ये। उसके बाद टाइम देखें, 1 माइक्रो सेकेंड था, तो 1 और ये माइक्रो की पावर मैंने लगाई है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उनके लिए आपके पास, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, सिंपल से ये नहीं होगा ये, ठीक है, बहुत ही आपको समझ लें कि मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप जो है जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी आपके पास कीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर आप ये कॉलेज लेवल पे आप ये करें कि कम से कम स्टेप में जो है कैलकुलेशन करें, ठीक है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं करें। ज़्यादा स्टेप करने से क्या होगा, ज़्यादा स्टेप करने से ये होगा कि एक तो आपका जो है समझ लें कि टाइम वेस्ट होगा, आप जितने ज़्यादा स्टेप करेंगे, ठीक है, और टाइम बहुत आपका शॉर्ट होता है इसमें, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में जो है लिखना होता है, ये काम करना होता है, तो उसमें जो है अब आपको यहाँ पे अपना टाइम सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तो ये कि कम स्टेप में कैलकुलेशन करें, जहाँ नेसेसरी हो वहाँ तो हमें जो स्टेप्स नेसेसरी हो तो हमें करने पड़ेंगे, लेकिन जहाँ पे आप देखते हैं कि एक ही स्टेप में कैलकुलेशन हो सकती है कैलकुलेटर से, तो वह एक ही स्टेप में कैलकुलेशन कर लें और फिर डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई आपका समझ लें कि नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपके माइनस नहीं होंगे। दूसरा ये होता है कि जितने आप ज़्यादा स्टेप करते हैं, ठीक है, फर्ज करें अब ये इसमें से इसको माइनस करना है, अब इसमें से माइनस करके फिर मैं लिखती और फिर बाद में इसको डिवाइड करती, तो ये एक स्टेप बढ़ जाता, मेरा टाइम भी समझ लें कि वेस्ट होता, और दूसरा ये है कि मैं जितने ज़्यादा स्टेप लिखूंगी उसमें गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है, कहीं पे आपने, ठीक है, कोई पावर रॉन्ग कर दी, कोई नंबर गलत लिख दिया, कोई बड़ा नंबर है तो आपने कोई जीरो जो है वो कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से अगर डिजिट जो हैं कम या ज़्यादा हो जाएंगे, कोई भी गलती हो जाएगी तो क्या होगा, आंसर फिर सही नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा। तो अब कैलकुलेटर में क्या करना है, यहाँ पे आपने 4 एक्सपोनेंट 5 देना है माइनस, ठीक है, 1 एक्सपोनेंट 3 देना है। अब इसका क्या होगा, ठीक है, एक आंसर दे देगा कैलकुलेटर, उसके बाद फिर डिवाइड, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1 एक्सपोनेंट -6, ठीक है, इसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये, ठीक है, 3 पॉइंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, आंसर देगा कैलकुलेटर, 3.99 एक्सपोनेंट 11, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है m/s². तो अब ये जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है, ठीक है, ये सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप इसको एज इट इज़ लिख लें, ठीक है, और इसको समझ लें कि आगे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ये, यानी कैलकुलेटर जो आंसर दे रहा है, ठीक है, उसमें, ठीक है, हमें पॉइंट जो है उसको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब तक कि हमें कहा नहीं जाएगा कि आप जो है इसको इस तरह से इस चीज़ में इस यूनिट में आंसर दें। बाज जगह होता है कि हमारा आंसर जो है किसी स्टैंडर्ड यूनिट में आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में होता है कि आप इसको इस यूनिट में आपका आंसर दें, तो फिर वहाँ पे हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वहाँ करेंगे। और जहाँ पर ये कुछ नहीं कहा जा रहा है प्रॉब्लम में, वहाँ पे आप कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है, और आगे पीछे पॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है, वरना क्या होगा, आंसर आपका गलत हो सकता है। जैसे बुक में इसका आंसर क्या है, 3.99, ठीक है, एक्सपोनेंट 9, ठीक है, तो उस तरह करने की जरूरत नहीं है, सो आपके पॉइंट आगे करना है या पीछे करना है, उसमें स्टूडेंट जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं। तो हमारा ये आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। अब हम कैलकुलेट करेंगे एस। एस के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी आप इक्वेशन, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप सेकंड यूज़ कर लें, हमारा डाटा उसके लिए भी सारा है, और चाहे तो हम थर्ड यूज़ कर लें, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as = vf² - vi², ठीक है, मैंने s का फिर फॉर्मूला बना लिया, 2a यहाँ पर, ठीक
मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, फिर माइनस है, फिर इनिशियल वेलोसिटी, ये स्क्वायर है, और नीचे मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे भी देखिए कि हम इसको, ठीक है, एक स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन बीच में हमने लिखा है, यहाँ पे देखें आप क्या करेंगे, पहले ये नंबर लिखेंगे कैलकुलेटर में, फिर इसका स्क्वायर की एक की होती है, ठीक है, तो स्क्वायर की जो है उसमें आपको, ठीक है, क्या नज़र आएगा, इस तरह से एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ नज़र आएगा, ये स्क्वायर की होती है। तो जहाँ पे भी हमें जिसका स्क्वायर लेना होता है, ठीक है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम इसको, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि नंबर लिखते हैं और ये वाली की प्रेस कर देते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। और अगर आप इक्वल करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, तो इक्वल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे, ये की प्रेस कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे, फिर की प्रेस करेंगे स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद इक्वल करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा, हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है 1.599 एक्सपोनेंट 11, और नीचे ये क्या है, 2 है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये। अब ये देखेंगे जब आप कैलकुलेटर से, ठीक है, कोई आंसर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अब पॉइंट के बाद अगर आप देखें ज्यादा डिजिट हैं, तो हो सकता है कि आप ज्यादा डिजिट ना लिखें, ठीक है, आप क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी कि हो सकता है 5.99 है ना, आपने 2 लिख लिए 5.9, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लिखने में कम भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको आगे कैलकुलेशन आप कंटिन्यू करेंगे तो नंबर पूरा लेना है ये, उससे आंसर एक्यूरेट आता है, ठीक है। यानी कि जब ये आंसर आएगा कैलकुलेटर में, तो आपने उसको क्या करना है, ठीक है, इरेज नहीं करना, डिलीट नहीं करना है उसको, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देना है। आपने इसको कॉपी कर लिया, जितना आपने पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट लिख लिए, उसके बाद आपने इसी आंसर को, ठीक है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पे ही देखिए कि आप इस नंबर को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर आप इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको आप 3.99 एक्सपोनेंट 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करें और फिर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ही है, ये डिनोमिनेटर में है, ये नीचे है, तो ये भी इससे भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट क्योंकि मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक। तो आप ये भी कर सकते हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यहाँ पे इनका आंसर लिख लें और फिर इसको, ठीक है, डिवाइड कर दें इससे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम सेव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो आंसर आ रहा है इसको आप करें डिवाइडेड बाय 2, फिर जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको आप करें डिवाइडेड बाय 3.99 एक्सपोनेंट 11, हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन 0.2005, और डिस्टेंस का हमारे पास लेंथ का यूनिट होता है स्टैंडर्ड मीटर, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मीटर। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 के आंसर है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 में देखें क्या है, ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है हमारा, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, सबने देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर लाइट्स होती हैं, ठीक है, जो कि अगर रेड होती है तो गाड़ी को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, वहाँ गाड़ियाँ रुक जाती हैं, और फिर जब टर्न होता है, ग्रीन हो जाता है, तो फिर गाड़ियाँ क्या करती हैं, चल पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल है जहाँ पे एक कार रुकी हुई खड़ी हुई है, वेट कर रही है, ठीक है। अब जब सिग्नल ग्रीन होता है तो कार जो है वो चल पड़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, ठीक है, और फिर जब कार आगे बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी जब कार खड़ी हुई थी, कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, तो उस कार की क्या स्पीड थी, ठीक है, 0 थी, कार की क्या वेलोसिटी थी, 0 थी। अब जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ, ठीक है, कार जो थी उसने क्या किया, ठीक है, समझ लें कि स्टार्ट होके आगे बढ़ी और उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो गई, और जब स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फिर कार जब आगे बढ़ती है, द कार स्टार्ट्स, ठीक है, अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार का जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वो होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जो चेंज हो रही है यूनिट टाइम में, ठीक है, वो उसकी सेम है, यानी कि सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अब जिस वक्त सिग्नल ग्रीन होता है, उसी वक्त, ठीक है, पीछे से एक बस आ रही होती है,
ठीक है, पीछे से एक बस आ रही होती है, ठीक है, जैसे सिग्नल ग्रीन होता है, ठीक है, बस भी जो है फिर आगे जाए बस बढ़ती, यानी बस को जो है रुकना नहीं पड़ता, जैसे वो सिग्नल पे पहुंचती है, सिग्नल ग्रीन उसको मिलता है, ग्रीन हो जाता है और बस रुके बगैर आगे, ठीक है, चलती रहती है। अब बस जो आ रही थी वो किस स्पीड से आ रही थी, वो आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो बस जो है आ रही थी कॉन्स्टेंट स्पीड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब बस क्योंकि पीछे से एक चलती हुई आ रही थी और कार जो थी वो रुकी हुई थी ट्रैफिक सिग्नल पे, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना समझ लें कि बढ़ना शुरू किया, इंक्रीज हुई उसकी स्पीड, तो सिग्नल पे क्या होगा कि बस जो है वो आगे निकल जाएगी, किससे, कार से, यानी बस जो है वो ओवरटेक करेगी और कार से आगे निकल जाएगी एंड पासेज द कार। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, देखिए, हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस, ठीक है। अब आगे जाके क्या होगा कि जो है क्योंकि बस जो थी वो तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, बस की स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही थी, लेकिन कार की इंक्रीज हो रही थी, तो आगे जाके एक पॉइंट पर क्या होगा कि कार जो है वो बस से आगे निकल जाएगी, यानी कार ओवरटेक करेगी बस को। तो हमें ये बताना है कि कितने डिस्टेंस पर, यानी सिग्नल से आगे कितनी दूर, कितने डिस्टेंस पर, स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या है, वो जो ट्रैफिक सिग्नल का पॉइंट है, ठीक है, तो कितने आगे कितने डिस्टेंस पर कार जो है, ठीक है, बस को ओवरटेक करेगी, ठीक है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, और उसके बाद हमें बताना होगा कि जहाँ पर कार ने ओवरटेक किया है बस को उस वक्त कार की स्पीड क्या थी, हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, ठीक है, उस पॉइंट पर कार की स्पीड यानी कार की समझ लेंगे फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अभी इसकी हम देख लें थोड़ी सी एक डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारा जो है सिग्नल का पॉइंट है, ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, और यहाँ पर जो है कार वेट कर रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, और यहाँ पर जो है बस जो है वो पीछे से आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ठीक है, कार यहाँ पे खड़ी है और बस पीछे से आ रही है, यहाँ पे सिग्नल ग्रीन हुआ, ठीक है, कार ने बढ़ना शुरू किया और जैसे यहाँ पर समझ लें कि जिस वक्त सिग्नल ग्रीन हुआ उसी वक्त बस यहाँ पर पहुँच गई, कार ने आगे बढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड इंक्रीज हो रही है और बस अपनी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है ये, ठीक है। अब कार जो है, ठीक है, जाहिर बात है कि कार शुरू में स्लो थी तो बस इससे आगे निकल गई है, ठीक है, यहाँ पर दोनों इनिशियली एक ही टाइम पर, ठीक है, समझ लें यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है, फर्ज करें कि हम ये कह सकते हैं कि समझ लें कि 5 बजे का टाइम है, ठीक है, तो 5 बजे समझ लें कि दोनों यहाँ मौजूद थी, उसके बाद ये बढ़ी, ठीक है, और बस इससे आगे निकल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बस आगे जा रही है, कार भी यहाँ पे आगे जा रही है, ठीक है, कार जो है इसकी ऐसे ऐसे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी इस पॉइंट पर आकर, ठीक है, इस पॉइंट पर आकर फिर दोनों समझ लें एक ही टाइम पर जो है दोनों यहाँ पर मौजूद होंगी, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो होगा यहाँ पर 5 बजकर समझ लें कि 10 सेकंड हो गई है, ठीक है, यानी कि 5 बजे दोनों यहाँ थी, ठीक है, बस आगे निकली थी, कार पीछे थी, अब बस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, कार की स्पीड इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे आके अब क्या होगा कि कार जो है वो ओवरटेक करेगी, यानी आगे निकल जाएगी, किससे, बस से, क्योंकि बस की तो स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कार ओवरटेक कर रही है बस को, ठीक है, तो उस ओवरटेक कर रही है इसका मतलब है कि जिस टाइम पर कार यहाँ मौजूद है उसी टाइम पर बस भी यहाँ मौजूद, इसका मतलब है कि अगर 10 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ तक आई है तो बस भी 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है, दोनों ने क्या किया, सेम टाइम लिया है, दोनों का टाइम सेम, ठीक है, यूज हुआ है फ्रॉम, ठीक है, मूविंग ए टू बी, और दोनों ने डिस्टेंस भी सेम कवर किया है क्योंकि कार ने भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं एस सी से, और बस ने भी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो है एस बी से, ठीक है, तो इस पॉइंट पर, ठीक है, आपको यानी कार ने यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी जहाँ पे कार ओवरटेक कर रही है, ठीक है, वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है एस सी, और वो क्या है, एस बी के इक्वल होगा, ठीक है, एस सी और एस बी क्या है, ठीक है, इक्वल है क्योंकि दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस है, और इस पॉइंट पर जहाँ पे कार ओवरटेक कर रही है बस को उस पॉइंट पर कार की स्पीड या कार की फाइनल वेलोसिटी समझ लें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इसके बाद कार आगे जा रही है क्या, इसे इससे आगे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ लें कि हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है।
अब कार का और बस का हम क्या करते हैं, डाटा अलग बनाते हैं। हम कार का डाटा बना रहे हैं, कार की इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पे ये ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। और कार जो है, ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो कितना एक्सेलरेशन है उसका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार का ही आपको डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी ए टू बी, जहाँ पे कार यहाँ पे ओवरटेक करेगी बस को, और फिर कार की ही फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर, ठीक है। कार का हमने डाटा बना लिया, अब हम बस का बनाएंगे, ठीक है। बस की देखें कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, देखें कार की स्पीड चेंज हो रही है। तो अगर स्पीड चेंज हो रही होती तो आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वी आई और वी एफ जे अगर आपके पास मौजूद है तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है और कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसको फिर हम वी आई और वी एफ से डिनोट नहीं करेंगे, वो तो एक क्या होगा, सिर्फ वी होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड। तो जब सिर्फ वी होगा तो फिर आप उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड मोशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, बल्कि फिर कौन सी इक्वेशन लेंगे, ठीक है, एस इज इक्वल टू वी टी वाली लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो इसमें हम वी आई और वी एफ नहीं लेंगे, बल्कि सिंपल बस की स्पीड को वी से डिनोट करेंगे। तो बस की मैंने कांस्टेंट स्पीड को, ठीक है, वी से डिनोट किया है 10 मीटर पर सेकंड, और बस जो डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, वो है इसका एस बी। अब बस के लिए पहले अगर हम, ठीक है, इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, हमने एस इज इक्वल टू वी टी की इक्वेशन ली है, वी इसका कितना है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम अभी अननोन है, टाइम हमें नहीं मालूम, तो पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में हमें टाइम ही कैलकुलेट करना है, और टाइम के बाद ही फिर हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार है और स्पीड जो है कार की कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, एक इक्वेशन बनेगी बस के लिए और दूसरी इक्वेशन बनेगी कार के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस के लिए इक्वेशन बनाई है, ठीक है, वेलोसिटी पुट कर दी है मैंने, और ये इक्वेशन बन गई एस बी इज इक्वल टू, ठीक है, वी टी, और ये इक्वेशन नंबर 1 का हमने इसको नाम दिया है। कार के लिए देखें, अब हम इक्वेशन बनानी है, तो जो डाटा हमें गिवेन है उसके लिहाज से हम कौन सी, ठीक है, एक पुट कर सकते हैं। अभी देखें फाइनल वेलोसिटी अननोन है ये, तो फाइनल वेलोसिटी जो है, ठीक है, अननोन है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं एस के लिए, क्योंकि एस जो है आपको किस तरह कैलकुलेट होता है, या तो सेकंड इक्वेशन से या फिर थर्ड इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन में वी एफ आता है, तो हम अब वो यूज़ नहीं कर सकते, वी एफ हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं कार के लिए, और ये कार का है, तो मैंने देखें यहाँ पे एस सी लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम अभी ये नहीं मालूम, टी को टी ही लिखेंगे हम, हाफ को हाफ लिखेंगे, एक्सेलरेशन कार का गिवन है 2, और टी हमें नहीं मालूम, तो टी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा टी स्क्वायर, और 0 के साथ जब टी मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0। तो 0 के साथ देखें जब ये ऐड होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। ये हमारी बन गई कार की इक्वेशन, ठीक है, डिस्टेंस की, एस सी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम कह रहे हैं 2, ठीक है। अब ये हमें गिवन है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक ही टाइम में दोनों, ठीक है, आई हैं फ्रॉम ए टू बी, और एक ही डिस्टेंस कवर किया है कार ने और बस ने फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है ये इक्वल है, ये, ठीक है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एस सी जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, और ये एस बी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू बी, ये जो है इक्वल है, तो हम इनको इक्वल कर लेंगे। और एस सी की जो वैल्यू है, ठीक है, टी स्क्वायर, वो पुट कर दी मैंने। एस बी की जो वैल्यू है, ठीक है, 10 टी मैंने पुट की। यहाँ पे देखें 2 टी हैं, टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 टी है, तो 1 टी और 1 टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे कैंसिल कर दें, या इस टी को यहाँ पे ला के एक ऊपर एक नीचे कैंसिल कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास टाइम आ गया 10 सेकेंड, यानी दोनों जो थी कार और बस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितने टाइम में पहुँची, 10 सेकेंड में पहुँची। अब आपको कैलकुलेट कौन सा डिस्टेंस करना है, एस सी वाला, ठीक है, तो आप एस सी की इक्वेशन, ठीक है, ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आप जो है देखें दोनों एस, क्योंकि एस सी और एस बी इक्वल हैं, ठीक है, तो एस सी का जो डिस्टेंस आएगा वो भी आपका, ठीक है, सेम, और एस बी का जो आएगा वो भी सेम, दोनों से जो है सेम आंसर आएगा, ठीक है, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। तो यहाँ पर देखें एट पॉइंट बी द कार विल ओवरटेक द बस, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार यानी फ्रॉम ए टू बी
क्या है, एस सी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने टाइम की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास टाइम कितना आया था 10 सेकेंड, 10 मैंने पुट किया 10 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने क्या करना है कि 10 को दो दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ठीक है 100 मीटर स्क्वायर। और 10 स्क्वायर का मतलब ये कि आप 10 का ठीक है जो स्क्वायरिंग वाली मैंने आपको की बताई है उस की से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 लिखें, उसकी स्क्वायरिंग की प्रेस करें और आप इक्वल कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ठीक है 100 मीटर हमारे पास आया ठीक है आंसर। अब हमें क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ठीक है कार की, जहाँ पर वो ओवरटेक कर रही है पॉइंट बी पर ठीक है, उस वक्त उसकी स्पीड क्या है। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। कार की इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सीलरेशन 2 है, टाइम कितना है 10, ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 10 से, यह आ जाएगा 20। यानी कि फाइनल वेलोसिटी या पॉइंट बी पर जो कार की स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है। ये आगे हमारा आंसर, ये हमने कंप्लीट कर लिया सेकेंड न्यूमेरिकल। अब ये देखिए कि थर्ड न्यूमेरिकल जो है ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है हमें अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है कि ऊपर जाना ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है एक हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग ठीक है। उसकी स्पीड क्या है हेलीकॉप्टर की ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड, यानी 12 मीटर पर सेकेंड से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है ये ठीक है। उसके बाद एट हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड ठीक है, जब हेलीकॉप्टर किसी हाइट पर पहुंचता है वो हाइट है 80 मीटर, वहाँ पे क्या करता है अ पैकेज इज ड्रॉप ठीक है। हेलीकॉप्टर से एक पैकेज फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, गिराया जाता है ठीक है। और ये ज़रूरत पड़ती है ठीक है, जब भी कोई ऐसे समझ लें हालात होते हैं, कहीं पर सैलाब वगैरह आता है तो फिर वहाँ पर जो लोग फंस जाते हैं उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही राशन पहुँचाया जाता है। इसी तरह से ठीक है जो पैकेट्स होते हैं खाने के वो ऊपर से ड्रॉप किए जाते हैं। उसके तो पूछा क्या है इन्होंने कि हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। अब वो पैकेज जो है वो ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग ठीक है कितना टाइम लेगा, वो आपको टाइम कैलकुलेट करना है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें हम देखें डायग्राम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम डाटा इसमें कैसे बनाते हैं ठीक है। यहाँ पर ये देखिए डायग्राम देख लें कि हेलीकॉप्टर यहाँ से ठीक है, ये मैंने लाइन बनाई है ग्राउंड की, हेलीकॉप्टर यहाँ से ऊपर जा रहा है किस स्पीड से 12 मीटर पर सेकंड से। इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ग्राउंड वाला मैंने सी पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये हाइट है इसकी 80 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट है 80 मीटर। यानी ये हेलीकॉप्टर ऊपर गया और यहाँ पे पहुँच के इसने क्या किया, पैकेज को ड्रॉप कर दिया। अब पैकेज ड्रॉप करने के बाद ठीक है क्या होगा, तो हेलीकॉप्टर जब यहाँ से देखें जा रहा है और यहाँ पर पैकेज को ड्रॉप कर रहा है, फेंक रहा है, तो हेलीकॉप्टर रुका नहीं है ठीक है। हेलीकॉप्टर ने चलते चलते समझ लें ड्यूरिंग मोशन एक पैकेज ड्रॉप किया ये ठीक है। अब देखें कि अगर हेलीकॉप्टर यहाँ पर रुक जाता ठीक है, हेलीकॉप्टर रुक सकता है ना, हेलीकॉप्टर अगर रुक जाता और रुक के पैकेज ड्रॉप करता तो क्या होता, उनके पैकेज जो है वो यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाता ठीक है। अगर हेलीकॉप्टर रुक जा और फिर यहाँ पर ठीक है, रुकने का मतलब है उसकी स्पीड हमें क्या है 0, यानी ऊपर नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा, पीछे नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ से जब वो पैकेज ड्रॉप करता तो पैकेज की स्पीड भी क्या होती 0 और फिर पैकेज वो डायरेक्ट नीचे आ जाता। लेकिन अब हेलीकॉप्टर ने ड्यूरिंग मोशन चलते चलते पैकेज ड्रॉप किया है, तो अब जब पैकेज को उसने ड्रॉप किया ठीक है, तो हेलीकॉप्टर की उस वक्त स्पीड कितनी थी 12 मीटर पर सेकेंड, तो उसने जो पैकेज ड्रॉप किया उसकी भी स्पीड कितनी होगी 12 मीटर पर सेकंड होगी। हेलीकॉप्टर क्योंकि ऊपर जा रहा था तो जो पैकेज ड्रॉप करेगा ठीक है, उसकी जो ये स्पीड है वेलोसिटी है उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी ठीक है। यानी जैसे अगर हम कोई बॉल फेंकते हैं ऊपर, अब देखें क्या होता है, अगर मैं एक बॉल जो है ठीक है मैं ऊपर फेंकूँ ठीक है, और मैं ऊपर फेंकूँ और उस वक्त जिस वक्त समझ लें कि मैं फेंक रही हूँ उसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने ऊपर फेंका बॉल ऊपर जा रही है ठीक है, अब कब तक ऊपर जाएगी ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी क्या होगा, बॉल की
कि वेलोसिटी स्पीड कम होती जाएगी, यानी 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, ठीक है। उसके बाद जब जीरो हो जाएगी, जिस पॉइंट पे बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, वहां से फिर क्या होगा, बॉल फिर वापस आएगी क्योंकि स्पीड जीरो हो गई। अब बहुत ज्यादा ऊपर और नहीं जा सकती, तो जहां पर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो जो है ऑब्जेक्ट जो होता है वो चीज नीचे दोबारा वापस आती है, और जब नीचे आती है तो फिर दोबारा उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ पे आके, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई और किसी वेलोसिटी से ये ग्राउंड से समझ लें कि स्ट्राइक करती है ये। तो इस तरह का समझ लें कि हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो केस है। अभी हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है, कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर ने जो पैकेट ड्रॉप किया है उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और वो ऊपर उसकी डायरेक्शन है। तो पैकेज क्या होगा, यहाँ से जब वो ड्रॉप किया जाएगा, हेलीकॉप्टर चलते चलते ड्रॉप करेगा, तो पैकेज नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल में आपको ख्याल रखना है कि आप उसको इस तरह से जो है टाइम या जो भी चीज़ है वो कैलकुलेट ना करें, क्योंकि वो चीज़ जो है जो जिसकी एक कोई इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ उसको फेंका है, तो पहले वो ऊपर जाती है, और कब तक ऊपर जाती है, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, और जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है फिर वो नीचे की तरफ आती है ग्राउंड पर। तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरह की, ठीक है, ट्रैवलिंग होती है या जर्नी होता है ऑब्जेक्ट का, पहले होता है अपवर्ड और फिर होता है डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पैकेज भी जो है जो कि 12 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप किया है, तो पैकेज की इस पॉइंट पर स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकंड। अब पैकेज ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे क्या हो जाएगी उसकी स्पीड, ठीक है, जीरो हो जाएगी। तो अब यहाँ पे फाइनल स्पीड हो जाएगी पैकेज की 0 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कोई चीज़ ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो इसमें हम डाटा अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, अपवर्ड जर्नी का अलग बनाते हैं और डाउनवर्ड जर्नी का अलग बनाते हैं डाटा। क्योंकि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस वक्त जो बी पे स्पीड होगी, ठीक है, वो अगर आप अपवर्ड जर्नी आप कंसिडर कर रहे हैं तो वो उसकी फाइनल स्पीड होगी, और अगर आप डाउनवर्ड जर्नी कंसिडर कर रहे हैं तो बी पॉइंट की स्पीड क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी। तो डाटा हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट बनाना पड़ता है। अब इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा डाटा में कि अपवर्ड जर्नी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो आप अब अपवर्ड जर्नी का हम डाटा बना रहे हैं, कहाँ से, ए से लेके बी तक का। तो ए पॉइंट पे जो इसकी होगी स्पीड वो इनिशियल होगी, और बी पॉइंट पे क्या होगी, ठीक है, फाइनल होगी। तो इनिशियल 12 मीटर पर सेकेंड और फाइनल, ठीक है, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम ले रहा है पैकेज, उस टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, T1 से। और जितनी ये हाइट है, ठीक है, ए से लेके बी तक ये जितनी हाइट है, ठीक है, उस हाइट को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, ठीक है, H1 से। तो ये दोनों हमें मालूम करने होंगे, ठीक है। H1 हम क्यों मालूम करेंगे, क्योंकि आगे जो दूसरा टाइम है T2, उसके लिए हमें इस H1 की ज़रूरत होगी, ठीक है। हमसे H1 पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि आगे ज़रूरत होती है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम T1 भी कैलकुलेट करेंगे अपवर्ड जर्नी का, और H1 हाइट भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे डाउनवर्ड जर्नी पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है, या ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं, तो क्या होता है कि फिर ऊपर जो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो कौन सी होती है, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, अगर मैंने ऊपर थ्रो किया है, यानी मैंने उसको फेंक के छोड़ दिया है और ये ऊपर जा रहा है, तो अब ऊपर जो जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक, तो इस पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, मेरी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, मैंने इसको छोड़ दिया, कौन सी सिर्फ फोर्स अप्लाई हो रही है, जमीन की, अर्थ की ग्रेविटी जो है अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, वो होती है डाउनवर्ड। तो इसी वजह से जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो क्या होता है उसकी, ठीक है, उसकी स्पीड जो है क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी देखें, जब चेंज होती है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी कम होगी यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है हमारा नेगेटिव होता है ये, ठीक है। अब जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा होता है, यानी फ्रीली जो है समझ लें कि मूव कर रहा है, उस पर और कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ठीक है, 9.8 होती है ये।
ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड क्योंकि कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो उस वक्त क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम जी की वैल्यू क्या करते हैं, ठीक है, नेगेटिव लेते हैं, यानी जी की वैल्यू जो है हम क्या लेंगे, ठीक है, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो हमारा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, और वैल्यू वही रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हम ले रहे हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है, यानी बॉल यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद क्या होगा, बॉल वापस नीचे आएगी, तो अब बॉल जब नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब बॉल नीचे आ रही है तो उस वक्त भी इस पे सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, किस फोर्स की वजह से नीचे आ रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से नीचे आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी लेंगे हम। तो यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, ठीक है, वो ऊपर जाता है, ठीक है, या वो नीचे आता है, उस वक्त उसका जो हम एक्सेलरेशन जो है वो क्या लेते हैं, जी लेते हैं और 9.8 लेते हैं, ठीक है। ऊपर जा रहा होगा तो नेगेटिव लेंगे और नीचे आ रहा होगा तो फिर हम क्या लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन लेंगे। तो अभी हम क्योंकि अपवर्ड जर्नी का, ठीक है, डाटा बना रहे हैं, तो अपवर्ड जर्नी में, ठीक है, हम ले रहे हैं इसका, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जी -9.8। अब ये देखिए कि हमें डाटा से क्या पता चल रहा है कि हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं T1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वी आई है, वी एफ है, और ये ए है यानी कि जी है। अब ये देखें, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से फ्रीली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, अपवर्ड जा रहा होता है या डाउनवर्ड जा रहा होता है, तो उसमें जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। लाइक जैसे कि हमारे पास पहली इक्वेशन जो होती है, जैसे वी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, वी आई प्लस ए टी, ठीक है, तो ये इक्वेशन हम कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, वी एफ रहेगा, वी आई रहेगा, और ए की जगह हम क्या कर देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का जी है, ठीक है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो जी जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, और टाइम जो हमारे पास टाइम ही रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली इक्वेशन इस तरह से हमारे पास चेंज हो जाती है। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में भी देखें, अब जब ये डिस्टेंस जब बॉडी ऊपर जाती है या नीचे आती है, तो ये जो हमारे पर डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम देखें किससे, एस से डिनोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम कर रहे हैं, ठीक है, एच से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, एच का, ठीक है, हमारे पर डिस्टेंस है, ठीक है, तो एच से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो है हम इक्वेशन में भी चेंज कर देंगे, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एस की जगह आप क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, ठीक है, वी आई टी एस ही लिखेंगे, और ठीक है, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, टी की जगह टी लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन चेंज हो जाती हैं, ठीक है, जब मोशन अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, तो एस की जगह आप क्या करते हैं, एस की जगह आप क्या करते हैं, एच कर देते हैं, और ए की जगह हम क्या कर देते हैं, जी कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी क्या हो गई, इक्वेशन, ठीक है, चेंज हो गई। थर्ड इक्वेशन में क्या चेंज करेंगे, थर्ड इक्वेशन में आप ये देखें कि आप जो है हमारे पास होता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो आप कर देंगे इसको 2gh, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ऐसी रहेगी वी एफ स्क्वायर, और इनिशियल भी ऐसी रहेगी वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये काम हमें तीनों इक्वेशन में करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास मोशन होगी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे आप देखें हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन हमारी, ठीक है, हमारी आ रही है टाइम के लिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, लेकिन हमने ए की जगह जी लिखा है, फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, ये हमने डाटा बनाया अपवर्ड जर्नी का, यहाँ से हम वैल्यूज ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 12 है, और जी है हमारे पास -9.8, टी है T1, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर इस -9.8 T1 को जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +9.8 T1, ठीक है, जो नेगेटिव होता है वो दूसरी जगह जाके क्या होता है,
पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ये प्लस 9.8 टी वन इज इक्वल टू 12। अब टी वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 9.8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, डिवाइड करें आप 12 को 9.8 से डिवाइड करें, हम लिखेंगे आंसर आएगा हमारा 1.224। तो ठीक है, जब भी कोई स्मॉल नंबर में आंसर आ रहा है ठीक है, तो हम पॉइंट के बाद कम अज कम ठीक है 2-3 डिजिट्स लिख लेते हैं। और अगर आप फर्ज करें पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है ठीक है, यानी फर्ज करें यहाँ 0 है, तो हम पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट लिखते हैं ताकि हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट जो है आ जाए ठीक है। उसके बाद हम H1 कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है। सेकंड भी आप यूज़ कर सकते हैं और थर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड में देखें मैंने लिखा है 2s, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, हमने इसको चेंज किया, a की जगह g लिखा है, और हमारी क्योंकि हाइट क्या है ठीक है अपर जर्नी में h1, तो हमने h1 लिखा है। फाइनल वेलोसिटी ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ पे क्योंकि मुझे h1 कैलकुलेट करना है, मैं इसका फॉर्मूला बना लूँगी 2g, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके इसको डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी एक तरह से क्या कहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये डिवाइड करेगा। यहाँ पे मैंने देखिए वैल्यूज पुट कर दी, फाइनल ठीक है वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये 2g, g माइनस में है माइनस 9.8। अब ये माइनस जो है ये ब्रैकेट के बाहर है ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा ठीक है। अगर ये माइनस ठीक है यानी कि अगर नंबर के साथ होता है अंदर होता है, तो फिर वो स्क्वायरिंग के बाद क्या होता है वो प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस जो है ठीक है प्लस नहीं होगा, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 144, और 2 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.8 से ठीक है, ये 19.6 आ जाएगा, और इसके साथ भी क्या है माइनस माइनस आएगा, 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H1 इज इक्वल टू माइनस 144 माइनस 19.6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 144 का डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 19.6 से डिवाइड करेंगे H1 आ गया, यानी कि हाइट आ गई ठीक है अपवर्ड जर्नी की 7.347 मीटर ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 जो राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है ठीक है, क्योंकि 4 के बाद अगर आप देखें नंबर आपके पास आ रहा है 6 9, तो 6 9 जो है, और अगर आप जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर लिखना चाह रहे हैं, तो फिर आप 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 6 के बाद 9 आ रहा है और आप 9 नहीं लिख रहे हैं, तो 9 जो है वो क्या है 5 से बड़ा डिजिट है, तो अगर कोई डिजिट जो है 5 या 5 से बड़ा होता है तो जब उसको राउंड ऑफ करते हैं तो उसमें एक एडिशन हो जाती है, यानी 6 में एक 1 ऐड हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मैंने राउंड ऑफ करके ये लिखा है। अब हम कर रहे हैं कंसिडर डाउनवर्ड जर्नी फ्रॉम बी टू सी ठीक है, दोबारा से इसको हम देख लेते हैं डायग्राम हमारे पास क्या है ठीक है। हमारे पास जो है डाउनवर्ड जर्नी, अब हमारे पास है बी से सी तक है, बी पे वेलोसिटी क्या हो गई पैकेज थी 0। अब बी से सी तक का जब आप डाटा बनाएंगे तो बी पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, और सी पे जो होगी वो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखेंगे, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि हमें मालूम नहीं करना है तो हम यहाँ पे उसको नहीं लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है कि डाउनवर्ड जर्नी का हमें ठीक है क्या करना है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे ठीक है T2 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये T2 जो है क्या है बी से लेके सी तक जितना टाइम लेगा पैकेज ठीक है वो T2 है, इसको T2 को हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हमें क्योंकि टोटल टाइम चाहिए कि पैकेज को ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगा, तो हम ये T1 और T2 को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पर टोटल टाइम आएगा जो हमसे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद अब ये देखें कि ये जो एच है ये हाइट जो है वो क्या है वो बी से लेके सी तक है, इसको देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है। इसी के लिए हमने H1 कैलकुलेट किया है ठीक है, ये जो हमें H चाहिए यहाँ पर T2 कैलकुलेट करने के लिए, उस H के लिए हमने H1 कैलकुलेट किया है, और H देखें कैसे आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ठीक है वो है 80 मीटर, इसको हम डिनोट करेंगे किससे H2 से ठीक है, और A से लेके B तक की हाइट है हमारे पास ठीक है H1, जो हमारे पास अभी आया है आंसर 7.347। तो अब ये देखें अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, यानी कि H1 ये और फिर ये H2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो मेरे पास ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आ जाएगी, यानी H आ जाएगा। H क्या है B से लेके C तक की हाइट है, तो H आएगा हमारे पास बाय एडिंग H1 एंड H2 ठीक है, ये हमारा अब डाटा बनेगा ठीक है, और हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे ठीक है। H1 ठीक है, हमारा डाउनवर्ड जर्नी का डाटा देखें, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है एट पॉइंट बी पर, H2 हमारे पास 80 मीटर है, और H हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम B टू C
एच वन प्लस एच टू, ठीक है, ये आ रहा है 87.347 मीटर जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, डाउनवर्ड जर्नी में टाइम कैलकुलेट करना है, टी टू कैलकुलेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू डाटा हमें क्या नज़र आ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है और हमें कैलकुलेट भी नहीं करनी है, तो हम यहाँ पर, ठीक है, इसको हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आती है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो सेकंड इक्वेशन के से हम जो है कैलकुलेट करेंगे टी टू। सेकंड इक्वेशन देखें क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे इसको हम चेंज कर रहे हैं, एस हो जाएगा हमारा एच, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा टाइम जो है हमारा टी टू है, टी टू लिखेंगे, ए हो जाएगा जी और टाइम है हमारा टी टू, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, एच 87.347, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम हमें नहीं मालूम, ठीक है, जी की वैल्यू पुट की 9.8 और टाइम अभी नहीं मालूम, तो हम क्या लिखेंगे टी टू स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये जीरो हो जाएगा और ये 9.8 को टू से मैं डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 4.9, तो ये हो गया 4.9 टी टू स्क्वायर और ये हो गया 87.347। अब मैं यहाँ पर 4.9 को, ठीक है, यहाँ पे ले जाऊंगी तो ये डिवाइड करेगा, तो टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 87.347 डिवाइडेड बाय 4.9, आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17.827। अब यहाँ पे मुझे टी टू की वैल्यू चाहिए तो मुझे स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग जो है स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ टी टू रह जाएगा और यहाँ पे आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, 17.827 का स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4.22 सेकेंड, ये आ गया डाउनवर्ड जर्नी का टाइम टी टू 4.22 सेकेंड। आपको चाहिए टोटल टाइम, द टाइम टेकन बाय द पैकेज टू रीच द ग्राउंड, तो वो होगा आपका टोटल टाइम, यानी कैसा आएगा, टी वन और टी टू को ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल टाइम। टी वन की वैल्यू देखिए मैंने लिखी, टी टू की वैल्यू लिखी, मैंने इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास टोटल टाइम आ गया 5.446 सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारा आ गया थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर, ठीक है, टाइम टेकन बाय द पैकेज टू रीच द ग्राउंड 5.446 सेकेंड, स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का सेकेंड, ये हमारे पास टाइम आ रहा है सेकेंड में। तो उम्मीद है मुझे स्टूडेंट्स आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे।